हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, धनमंत्रा चैनल ने मोस्टली वीडियो जो है यस बैंक पे बनाए हैं और काफ़ी वीडियो दूसरे टॉपिक्स पे भी बनाया है, लेकिन जनरली मैंने कोई एक्सक्लूसिव वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बनाया है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में भी वीडियो बनाया जाए और इन जनरल जो दुनिया भर के मार्केटों में जो एक गतिविधियाँ चलती हैं, जिनके जैसे डाउ की गतिविधियां हैं या एसजीएक्स निफ्टी की गतिविधियां हैं, उसके आधार पर जो भारतीय बाज़ारों में एक प्रभाव पड़ता है उस पर एक राय व्यक्त कर दी जाए। देखिए दोस्तों, आने वाली जो लाइनें हैं वो मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल पर्पज़। तो उसके वहाँ से कोई क्लू लेते हुए आप अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी लेकर ही आप जो है अपने निवेश के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, एसजीएफ निफ्टी 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और इसी को देखकर आप सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत सा डर फैला होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मंडे को बहुत बड़ा हाहाकार फैल जाएगा। देखिए दोस्तों, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एसजीएफ निफ्टी जो है मैथमेटिकली डाउ जोन्स को फॉलो करता है। डाउ जोन्स का मार्केट आपको पता होगा, इस समय चूँकि अमेरिका में भी ठंड है तो 8 बजे के करीब खुलता है और रात को 2:30 बजे बंद होता है। जब अमेरिका का बाज़ार 2:30 बजे बंद होता है, उसके 15 या 20 मिनट बाद ये जो एसजीएफ निफ्टी के फ्यूचर आने भी बंद हो जाते हैं। और अगले दिन अगर शेयर बाज़ार खुला होता है तो सवेरे जब ऑस्ट्रेलिया का मार्केट खुलता है उस समय एसजीएफ निफ्टी भी अपना आगे का रुख दिखाना चालू कर देता है और डाउ फ्यूचर्स भी दिखने लगते हैं। और उसके बाद जब निकेई खुलता है और हैंग शेंग है या आपके जो सिंगापुर के मार्केट्स हैं जब वो खुल जाते हैं, फिर चाइना के मार्केट खुलते हैं, तो एसजीएफ निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स से आपको काफ़ी कुछ रुख क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो एसजीएफ निफ्टी दिख रहा है वो डाउ से टेक्निकली कनेक्टेड होकर आपको एक चीज़ दिखा रहा है। देखिए, डाउ की जो भी गिरावट है उसने कई फैक्टर को अपने प्राइस में ले लिया है। जैसे उसने नेटफ्लिक्स के रिजल्ट को अपने में समाहित कर चुका है। देखिए, जब कल नेटफ्लिक्स का शेयर गिर रहा था उसमें एक रिकवरी आई थी, लेकिन बाद में फिर गिर गया था। और जब नैसडैक ने अपना एक क्रूशियल सपोर्ट तोड़ा था 14,000 का, तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर जो गिरावट थी थोड़ी बढ़ गई थी। और उसके बाद क्या था कि जो पीयर ग्रुप के शेयर थे, जैसे अमेज़ॉन के थे या आपके डिज्नी के शेयर थे, वो सब भी गिरने लगे। और एक बाज़ार में जब एक जनरल गिरावट ज़्यादा हुई तो अलग शेयर भी जो होते हैं डाउ के भी जो कई शेयर हैं उनमें भी गिरावट आई। फ्राइडे फैक्टर भी था। तो ओवरऑल अब देखिए, एक फेड की इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, कुछ यूक्रेन बॉर्डर पे टेंशन की थी, तो काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिव थी उसको अपने अंदर समाहित करते हुए डाउ ने एक गिरावट दिखाई। और उस गिरावट के बेस पे एसजीएस निफ्टी ने भी 200 पॉइंट की गिरावट शो की है। लेकिन दोस्तों, सैटरडे के दिन आपने देखा रिलायंस के नतीजे आए। देखिए, एसजीएफ निफ्टी में रिलायंस के जो अच्छे नतीजे आए हैं वो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, आपने देखा बंधन बैंक का बहुत रिजल्ट आया, आपने देखा एसबीआई लाइफ के नतीजे अच्छे आए। इनफैक्ट सैटरडे को जो भी नतीजे आए थे वो ज़्यादातर अच्छे नतीजे आए। कल एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आने वाले हैं, मारुति के भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो मंडे के दिन, जैसे कि हमारी टैगलाइन कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ार में गुगली हो जाए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डाउ के फ्यूचर्स हैं वो मंडे को कैसा दिखता है। वो पिक्चर आपको सवेरे 5 बजे से क्लियर हो जाएगी। अगर आप डाउ फ्यूचर को देखना चाहते हैं तो investing.com पर जाके डाउ फ्यूचर को आप 5 बजे से देख सकते हैं। और अगर डाउ फ्यूचर सवेरे 100 से 150 पॉइंट ऊपर दिखता है तो आप ये मान के चलिए सिर्फ डाउ फ्यूचर के ही माध्यम से ये जो एसजीएफ निफ्टी आपका 200 पॉइंट दिख रहा है वो उतना गिरावट नहीं शो करेगा। उसके बाद आप देखिए, जब इंडिया के बिजनेस चैनल अपनी अपनी कमेंट्री देते हैं और अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, खासकर जो उनकी राय होगी आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट पे
और रिलायंस के रिजल्ट पे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उनके टारगेट्स आएंगे। तो 9 बजे तक आपको अगर ये सारी कमेंट्रीज जो हैं पॉजिटिव दिशा में आई, तो आप ये देखेंगे जो ये डाउ का इम्पैक्ट एक्सियर निफ्टी पे माइनस में दिख रहा है, वो हो सकता है नलिफाई भी हो सकता है, इन द सेंस कि आपको उतनी गिरावट में बाज़ार नहीं खुले। हो सकता है कि फ्लैट खुले और उसके बाद बाज़ार जो है एक ऊपर की दिशा में भी जा सकता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो इन लाइनों को आप एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल मत लेना। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पज़ दिस वीडियो, और ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। क्योंकि देखिए, जो भी गिरावट अगर आप पीछे भी देखेंगे, या डाओ में हुई हो, या नैसडैक में हुई हो, या इंडियन मार्केट में भी हुई हो, और इनफैक्ट जो गिरावट का एक पैटर्न होता है, सेलिंग का पैटर्न FII का, उसको भी अगर एक फॉर्मूले के तहत देखेंगे, तो 50% तक की उनकी सेलिंग हो चुकी है। उसके बाद हमेशा उनमें एक खरीदारी ही आती है। अगर आप कई बाज़ारों में ये कहा जा रहा है कि यूपी इलेक्शन को लेकर जो पहले डिस्टरबेंस आ रही थी, लेकिन देखेंगे तो पॉलिटिकल एरिना में भी पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी परिवर्तन आया है, और जो एक रुख था नेगेटिव प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए यूपी में, वो भी देखिए ढलता जा रहा है, और उसमें भी काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। इनफैक्ट अगर आप डिफरेंट हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल को देखेंगे, और उनके ऊपर जो आपको पोलिंग हो रही है वो भी देखेंगे, आप तो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो देखिए जो FIIs होते हैं, ये सब नोट करते हैं कि अगर पॉलिटिकल एरिया में भी स्टेबिलिटी रहती है, तो स्टॉक मार्केट में उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। तो दोस्तों, ऑल डिपेंड्स ऑन मंडे 5 o'clock। अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मार्केट जब सबसे पहले खुलते हैं, उसके बाद निकाई खुलेगा, और उसी समय से आपको, जैसे मैंने अभी पहले बताया, डाउ फ्यूचर के बारे में आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। मेरा ये मानना है कि डाउ की भी गिरावट जो पिछले 3-4 सेशन से हो रही है, और जो नैसडैक में हुई है, एक बाउंस बैक वहाँ आना तय है, और उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि इंडिया में जो लीडिंग कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ICICI बैंक का देखिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, इसका इम्पैक्ट आपको एक्सिस बैंक पे भी पड़ेगा, शेयर परफॉर्मेंस में कोटक बैंक पे पड़ेगा। और आपने कल देखा था, फ्राइडे के दिन जब बाज़ार बंद हो रहे थे, तो HDFC बैंक का जो भी शेयर था वो प्लस में आ गया था। रिलायंस में रिकवरी हो रही थी, आपने देखा TCS के शेयरों में रिकवरी थी। IT के शेयर भी बहुत गिर चुके हैं, हो सकता है उनमें भी रिकवरी आए। तो दोस्तों, लेट्स कीप अवर फिंगर क्रॉस्ड। मुझे पर्सनली तो ऐसा नहीं लगता है कि जितना HDFC निफ्टी दिखा रहा है उतना बाज़ार गिरेगा। सो लेट्स होप ऑल द बेस्ट फॉर द मंडे। सी यू।